सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और बार मेरे चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वाइकिंग्स वैलहेला का एपिसोड 2। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वाइकिंग्स की वीडियो में आपको बोला था कि मैं इस सीरीज के बारे में जो भी बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि ये सीरीज कितनी अच्छी है। इसलिए गाइस, वीडियो को पूरा देखना और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं कि याल हकून, जो कि कैटेगट पर राज करती है, वो फ्रेटिस से प्रूफ मांगती है कि उस बंदे ने ही तुम्हारे पीछे वो स्कार बनाया था। और फिर फ्रेटिस कहती है कि भगवान कभी भी झूठ का साथ नहीं देता, इसलिए ओलाफ मेरे साथ 1v1 कॉम्बैट करे। अगर मैं हार गई तो मान लो भगवान मेरे साथ नहीं है और मैं झूठी हूँ। उसके बाद क्या होता है, ओलाफ उसके साथ 1v1 कॉम्बैट करने में मना कर देता है और हेरल्ड पीछे से आता है और पूरी बात ही घुमा देता है। हेरल्ड की शुरू से ही लीफ पर आंख थी और वो लीफ से आर्मी में ज्वाइन करने को बोला था, लेकिन लीफ ने आर्मी में ज्वाइन करने से मना कर दिया था। और अब हेरल्ड पीछे से आता है और कहता है अब लीफ को अपनी बहन के लिए हमारे साथ सेना में जुड़ना होगा। और फिर हमें लंदन में एथलर्ड का सीन दिखाते हैं, जो कि वाइकिंग के होने वाले हमले से बहुत डर चुका होता है। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि वाइकिंग हमले के लिए निकल पड़ते हैं। फिर दिखाते हैं कि लंदन में एमा, जो कि एथलरेड की वाइफ है, वो उसके पास उससे हालचाल पूछने आती है, क्योंकि एथलरेड अब बस मरने ही लगा होता है। एथलरेड बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था और अब पूरी कमांड उसने अपनी वाइफ एमा को दे दी थी। उसकी वाइफ हर एक तरफ से आर्मी बुलाने को कहती है और एथलरेड का बेटा एडमंड को वो मर्सिया भेजती है ताकि वो मर्सिया से सेना ला सके। फिर हमको वाइकिंग्स की बोट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ओलाफ किंग कनूट को कहता है कि हमको साउथ की तरफ से हमला करना चाहिए। हेरल्ड कहता है कि साउथ की तरफ से हमला करने में मुश्किल होगी क्योंकि वहाँ पर दलदल है। फिर ओलाफ कहता है कि लेकिन एथलरेड वहाँ से हमला बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इस बात का एमा को पता था और उसने भी सेना अपनी साउथ की तरफ ज्यादा करी हुई थी। फिर हमको दिखाते हैं कि लीव की नाव सबसे अलग हो जाती है और उसके अंदर बैठे सभी लोग भड़क जाते हैं, लेकिन लीव सबको कंट्रोल कर देता है। और फिर साथ ही में गॉम नाम का एक बंदा एक क्रिश्चियन को मार देता है और उसके बाद वो लीव को भी मारने बढ़ता है, लेकिन लीव उसको मार देता है और उसके मरने मरने में ही उनको लैंड भी दिख जाता है और इसी बीच वो सबके साथ जुड़ भी जाते हैं। और दिखाते हैं कि एथलरेड मर जाता है और एडमंड अब उनके न्यू किंग है। और फिर हमको दिखाते हैं कि याल हकून फ्रेडिस को उपसाला भेजती है क्योंकि वो वाइकिंग्स की सबसे पवित्र जगह है और जिन्होंने वाइकिंग्स देखी है और उनको भी नहीं याद आ रहा कि उपसाला क्या है, तो मैं उनको बता दूं कि उपसाला वही जगह है जहाँ पर रैगनार एथलस्टैन को बलि देने के लिए लेकर गया था। और उसके बाद हमको दिखाते हैं कि सभी बोट्स वहां पर पहुंच जाती हैं और सभी नॉम की लाश देखते हैं और हेरल्ड लीफ को कहता है कि तुम एक सच्चे वाइकिंग हो। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।